नमस्कार, मैं यामिनी दुबे, स्वागत है आपका clips.in में। जन कल्याण की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से कचना रोड स्थित सुरेश्वर महादेव पीठ में पंडित जुगल किशोर शर्मा ने भागवत कथा का शुभारंभ किया। भागवत कथा 6 मार्च तक चलेगी। इससे पहले महिलाओं ने जगन्नाथ मंदिर से सुरेश्वर महादेव पीठ तक कलश यात्रा निकाली। राजधानी रायपुर में जन कल्याण की भावना के प्रयास के लिए श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ पंडित जुगल किशोर शर्मा ने किया। इस अवसर पर महिलाओं ने गाजे बाजे के साथ जगन्नाथ मंदिर अवंती विहार से भव्य कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा इलाके का भ्रमण करते हुए सुरेश्वर महादेव पीठ कचना रोड पहुंची। कलश यात्रा की संयोजिका श्रीमती रितु शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन भागवत 3 बजे से प्रारंभ होगा, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। भागवत का समापन 6 मार्च को किया जाएगा। कथा में देश भर के अनेक संत प्रतिदिन शामिल होंगे। कैमरा पर्सन टाकेश्वर साहू के साथ यामिनी दुबे, clips.in। सुरेश्वर महादेव पीठ द्वारा जन कल्याण की भावना को लेकर आज से श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रारंभ की जा रही है। आज हर रोज दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक ये भागवत कथा होगी और पंडित युगल किशोर शर्मा जी के श्री मुख से भागवत कथा का आयोजन है। हम लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे कुलदीप जुनेजा जी, पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी, भाजपा नेता छगन मुंदड़ा जी और सभी वरिष्ठ और गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया है। आज आप देख रहे हैं शोभा यात्रा भव्य एकदम विशाल भव्य रूप से निकली है। एक धर्म का प्रचार हो रही है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं नंगे पांव चल रही, निश्चित रूप से एक धर्म की भावना है और इसके पीछे उद्देश्य भी है कि जनता का कल्याण हो, जन कल्याण हो, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से हमारा प्रदेश मुक्त हो और लोगों में धर्म के प्रति आस्था हो, क्योंकि आदमी जब धार्मिक होता है तो अपराध करने से डरता है। और सर्व कल्याण की भावना को लेकर हमारे जो स्वामी राजेश्वरानंद जी हैं उनकी अगुवाई में ये कार्यक्रम हो रहा है और आज के कार्यक्रम की संयोजक श्रीमती रितु शर्मा सिंह और हमारी कपिला सिंह है और महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे भक्ति के मार्ग में आ रही है और बहुत अच्छा उत्साह है महिलाओं में आने वाले समय में। और इस प्रकार के आयोजन हमारी समिति द्वारा करवाया जाएगा और आगे भी ये निरंतर क्रम जारी रहेगा। सामाजिक कार्य के रूप में सारी महिलाएं बहुत उत्साह से आगे बढ़ के हिस्सा ले रही हैं। किस उद्देश्य को लेकर के किया जा रहा है? देखिए, भगवान की पूजा का कोई उद्देश्य नहीं होता, एक आस्था होती है, एक विश्वास होता है जिसमें जितने लोग जुड़ते चले जाते हैं एक माहौल बनता जाता है भगवान की सेवा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।